तो मैं यहाँ पे सो के उठ चुका हूँ और अभी नहा धो के थोड़ा बाहर आया हूँ और अभी फिलहाल फिलहाल हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ का मैंने पहले व्लॉग बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है उस व्लॉग को तो यहाँ आई बटन जो दबा के देख लीजिएगा पूरा। लेकिन वो रात में है, ये मैं थोड़ा डे टाइम में दिखा रहा हूँ, डे टाइम में ही मज़ा है। तो मुझे कुछ लेट हो गया था और ये बेहतरीन नज़ारा, वो पीछे हमारे रिवर, तो ये वही है जो बाकी। आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था, वो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। और ये बेहतरीन, ये वो है कैफे इनर सिटिंग में है, ये हट्स वगैरह हैं। और ये रहा हमारा रिवर साइड कैफे, वो हूँ वेलकम टू रिवर वैली ऑफ नैनीताल। जबरदस्त ना, एकदम ज़बरदस्त। जिस टाइम यहाँ पे बारिश वगैरह होती है तो ये देख रहे हैं, ये इनका पूरा यहाँ पे तक आगे तक था कंस्ट्रक्शन, ये पूरा जैसे कि आपको दिख रहा हो तो पूरा कंस्ट्रक्शन इन्हीं का था। तो ये जो अभी बारिश आई थी, बारिश आने की वजह से सब ये यहाँ तक का टूट चुका था, तो उन्होंने फिर अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पर बाउंड्री रख दी है अभी के लिए, कि बाकी अंदर ही कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। ब्यूटीफुल। फिलहाल मैं यहाँ रिवर में आ गया हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आहा, बेहतरीन भाई जान, मज़ा। आहा, अभी पानी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा फ्लो भी कम है, मतलब अभी कोई इतना ख़ास पानी नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा अगर आपको लेना हो थोड़ा बहुत। वैसे कहीं कहीं गहरा भी है, कहीं कहीं थोड़ा ऐसी भी है, लेकिन मज़ेदार जगह है। रिवर वैली ऑफ नैनीताल है ये जगह, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों के पता ही नहीं है ये लोगों को ये जगह के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा कोई ज़्यादा फेमस नहीं है। सूरजला गांव है जो कि एक सूरज, उसका सूरजला का मतलब है कि सूरज लोगों की जगह है। तो इन शॉर्ट ये सूरज लोगों की जगह का एक गांव के नाम से बनाया गया था, जो भी सूरज लोग होते हैं। तो ये यहीं से ही ग्वाला नदी रिवर पास होके जाती है, माउंटेन से जो आती है हमारी, ये वहाँ से रिवर पूरे माउंटेन से आ रही है। ये रिवर वाले ये ख़ास वो जगह है, हम अभी चलते हैं। तो ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, मैं पानी में तो नहीं जाऊंगा, क्या पता। एक बार मैं गया था उधर, कोसी नदी, कोसी रिवर आती है वहाँ से ऊपर गर्म पानी की तरफ। ये जगह है नहीं है जाने की, हाँ यार पैर तो आराम से ही रखूँगा भाई, है तो जगह ही। तो मतलब ये हम, ये है हम चल रहे हैं अभी, ये ब्रिज के नीचे आ गए हैं हम, ये वो जगह है जहाँ से हम आए थे। ये हम आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा हमारा कैफे।
अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें नहाने की जगह भी मिल जाएगी, बट हमें अभी नहाना नहीं है क्योंकि हम अभी नहाने के इरादे से नहीं आए हैं। ये हम हैं, ये ग्वाला रिवर है और यहाँ फारी हो रही है। ओहो फारी हो रही है। हम जाएंगे इस साइड। ये पूरी जगह ही ऐसी है। अभी आगे तक इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे यार, बहुत हो गया। वहाँ से आ रहे हैं हम, और वो वहाँ हमारा बलात् जहाँ पे हम रात रुके हुए थे। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है यार, आई जस्ट लव इट। तो फिलहाल अभी इतना ही सिखाते हैं। मेरी चप्पल, मेरी स्लीपर जो थी वो पानी में, जब मैं क्रॉस कर रहा था क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी तो मैं पानी लेने के लिए जा रहा था, तो मेरी चप्पल ही चली गई देखो जैसे कि। अब मैं वो आगे भाई बैठे हुए थे, मैंने उनको आवाज़ दे के जल्दी से कहा मैंने कि भाई मेरा स्लीपर पकड़ लेना, तो उन्होंने स्लीपर पकड़ लिया। तो भाई से मैं लेने जा रहा हूँ और भाई बिना स्लीपर के मेरे पैरों में बहुत कमाल धमाल लग रहा है ये कुछ। तो ये भाई हैं हमारे जिन्होंने हमारी स्लीपर को बचाया है, एक बार और जन्म दिया है। तो ये दोनों भाई यहाँ बैठे हुए थे, मैं वहाँ से उनका आवाज़ दी तो इन्होंने थैंक गॉड की इन्होंने आवाज़ सुन ली, तो थैंक यू भाई। चलो वापसी हम चलते हैं। तो हमारे रूम में अभी दिक्कत आ गई थी एसी की, एसी की सप्लाई की, तो उन्होंने हमें ये लग्जरी कॉटेज में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि और कोई रूम खाली नहीं था, सब भर गए थे। तो अभी हम लग्जरी कॉटेज में जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं कैसा है। हमारा लगेज शिफ्ट हो गया, मेरा जो बैग था। ये है वो रूम। तो ये यहां से बेड से ये व्यू आ रहा है भाई, जबरदस्त जिंदाबाद। यो रही सामने हमारी गाड़ी। बर्ड्स वगैरह काफ़ी हैं। ज़बरदस्त रिवर व्यू। क्योंकि रेनी सीजन में यूँ बेस्ट है क्योंकि रिवर का व्यू यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि पूरी रिवर जो है पूरी फुल होती है, तो बेहतरीन नज़ारा, एकदम ज़बरदस्त नज़ारा आता है। लेकिन उस टाइम पे ज़रा थोड़ा सा दूर हट के खड़े होइएगा अगर आप रेनी सीज़न में आए हैं, तो क्योंकि ये पहाड़ उससे लगते हुए होते हैं तो गिर भी जाते हैं कभी कभार। बी केयरफुल। मतलब ज़बरदस्त नज़ारा ना। डिनर करने आया था वहीं जहाँ पे मैंने बोला था, डोलमार जगह है एक, तो जैसे कि अगर मैं पीछे दिख रहा हूँ
तो यहाँ पे जैसे कि आपको सुनाई दे रहा हो कि यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और अब इस टाइम लाइट वगैरह भी सब जा चुकी है। तो इस टाइम हम जल्दी से हम गाड़ी में चलते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। तो अभी के लिए दाल चावल वगैरह हमने खाए, बेहतरीन लिए, बारिश भी आ गई, दाल चावल खाए, बेहतरीन मज़ा आ गया, एकदम जबरदस्त जिंदाबाद। ये रही हमारी गाड़ी और हम चलते हैं बिना किसी बकलोली के। बाय ताड़ा बाय। यो 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 मेरे जिगर के छल्लो, आज हम सो के उठ चुके हैं फिर से। अब हम आज जाएंगे घर पे और आज क्योंकि अब हमें निकलना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने तो सब जगह जाने की कोशिश करी बट नहीं जा पाया क्योंकि जाम ट्रैफिक वगैरह बहुत है, और अब भी अगर मैं जाऊंगा तो पता नहीं क्या है क्या नहीं होगा। तो इसलिए मैंने प्लान नेक्स्ट ट्रिप के लिए ड्रॉप कर दिया है। तो नेक्स्ट ट्रिप में सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट ट्रिप में तो हम मिलते ही रहेंगे। हम कहाँ जाने वाले हैं, अभी तो फ़िलहाल मैं शावर वगैरह लेके आया हूँ अभी। तो मैं यहाँ बिलासपुर पार कर चुका हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मेरे पीछे हाईवे है, रामपुर रोड, इस रामपुर रोड कहलाता है ये। जो है अब घर जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी ट्रिप एंड होती है। तो गाइस प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दो, बहुत सारा प्यार दो, और आपका बस प्यार की ही एक ज़रूरत है क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, तो सपोर्ट आपका होना चाहिए। और कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि जो दिखा सकूँ सब कुछ दिखाऊँ, जो दिखाने की चीज़ है वो दिखाऊँ, और सभी कुछ लगभग मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये होती है हमारी यहाँ पे ट्रिप ख़त्म। बाय बाय।